अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग फिज़िकल केमिस्ट्री। रिगार्डिंग फिज़िकल केमिस्ट्री और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जनाब क्वांटम केमिस्ट्री का। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री का। ये इस वजह से क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम्स के अंदर आता है और ज़्यादा बेहतरीन समझ उन लोगों को आएगी जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियो थोड़ी सी देख लें, और अगर नहीं समझ आती तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने जो उनसे नोट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, उन सबको शेयर कर दूंगी। और डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन पे जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम कर लिया है ना, समझ लो ये वाला टॉपिक उन लोगों के लिए हलवा है। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, या फिर इन फंक्शन और इन, नहीं गलत बोल रही हूँ, आइगन ही है। खैर, इट इज़ डिफाइंड एज कि ये इसकी ना जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, आसान लफ्ज़ों में ये है कि बिलफर्ज अगर हमारे पास एक ऑपरेटर दिया हुआ है और साथ में एक फंक्शन दिया हुआ है, उन उनको जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो होना ये चाहिए कि एक हमारे पास कांस्टेंट आए और जो दूसरी वाली वैल्यू ना हमारे पास फंक्शन, वो हमारे पास अगर सेम आता है तो हमारे पास जो सा ऑपरेटर है वो होगा, तो हमारे पास जो सा फंक्शन है ना वो होगा आइगन फंक्शन, और जो हमारे पास मतलब कि वैल्यू जो हमारे पास आएगी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास जो उनसे आएगी वो होगी आइगन वैल्यू प्लस आइगन फंक्शन, वही हमारे पास सेम रहेगा। यानी कि जो फंक्शन बिलफर्ज ये फंक्शन है, इसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई किया है, ठीक है ना, अगर ये फंक्शन ऑपरेटर के अप्लाई होने के बाद सेम रहता है तो हमारे पास वो आइगन फंक्शन होगा। ठीक हो गया। अब इसको ना मतलब अंग्रेजी में इस तरीके से लिख लो याद करने के लिए कि आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेटर इफ़ सेम फंक्शन वी गेट इट इज़ कॉल्ड आइगन फंक्शन। अच्छा, अब इस इक्वेशन के ज़रिए से मैंने इसको आगे फर्दर डिफाइन कर दिया कि जिस तरह हमारे पास साई जौन सा यहाँ पे वो आइगन फंक्शन है विद ऑपरेटर ए कैप, ठीक है, इसी तरह जौन सा है ना हमारे पास एक कोई भी बिलफर्ज अगर हम लोग ए कैप की जगह बी कैप ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास जौन सा साई की वैल्यू है ये सेम ही रहती है, यानी कि फंक्शन जौन सा वो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो हमारे पास जो उनसे इक्वेशन होगी ना उसको हम लोग आइगन इक्वेशन कहेंगे। अब आइगन इक्वेशन की डेफिनेशन देख लो। ठीक है, आइगन इक्वेशन वो वाली इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर हो, यानी कि आइगन वैल्यू हो, ठीक है, आइगन वैल्यू हो हमारे पास, और फंक्शन जौन सा है ऑपरेटर के अप्लाई करने के बाद सेम हो, यानी कि आइगन फंक्शन हो, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन मौजूद हो उसको हम लोग आइगन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आइगन इक्वेशन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इसको मैं फर्दर आगे तीन एग्जाम्पलों में समझाऊंगी। पहली एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ का डबल डेरिवेटिव ले लेना बिलफर्ज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ए कैप हमारे पास एक ऑपरेटर है, बिलफर्ज वो ऑपरेटर हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, और साई की हमारे पास वैल्यू जो सी है वो साइन अयोटा के एक्स है, अयोटा की वैल्यू तो सबको पता ही है अंडर रूट -1 होती है, ठीक है, अंडर रूट -1 होती है। ठीक है, अब ना इसका सोल्यूशन ले लेते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको उनके उनकी ना वो जो गिवन वैल्यूज़ हैं, सॉरी जो, हाँ, उनके अंदर वो उनकी वैल्यूज़ जो उनसी वो पुट कर देनी है। डबल डेरिवेटिव है, पहले तो हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव साइन थीटा के अकॉर्डिंगली ले लेना। साइन थीटा का जौन सा हमारे पास डबल डेरिवेटिव होता है, सिंगल डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, फिर कॉस थीटा का जौन सा आगे फर्दर डेरिवेटिव होता है ना वो साइन साइन थीटा होता है। यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे मैंने ना पहले डायरेक्ट सॉल्व किया था, लेकिन फिर मैंने ना यहाँ पे आगे फर्दर करके दिखा दिया है कि ना इस तरीके से इसकी ना फर्दर होती है डेरिवेशन में इजाफा। ठीक है,
उसके बाद जो हमारे पास गिवन आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आंसर है ना हमारे पास, ये इस इक्वेशन का जो सा है ना हमारे पास आंसर आ गया है। अब इस आंसर को हम लोगों ने इससे मल्टी इससे कंपेयर कर लेना है। ये हमारे पास था जनाब आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, और आंसर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आइगन फंक्शन आ गया। वैल्यू हमारे पास जो भी हो, लेकिन वैल्यू होनी हमारे पास कांस्टेंट चाहिए, ठीक है ना। कांस्टेंट अगर वैल्यू हमारे पास आती है और आइगन फंक्शन जो से हमारे पास सेम रहता है, तो इक्वेशन जो सी है वो हमारे पास आइगन इक्वेशन हो जाएगी। ये इसकी हो गई एक एग्जांपल। अच्छा, अब ना दूसरी एग्जांपल देखें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वो इग्नोर करें। अच्छा, तो ना यहाँ पे मैंने ये सिंगल डेरिवेटिव लिया है जिसके अंदर बी बेस जो सी हमने ई रखी है, उसकी पावर ए और एक्स रखी है। तो क्या नाम है उसका, इसके ऊपर अगर हम लोग मतलब कि सिंगल डेरिवेशन ले लेंगे, तो हमारे पास ये ए कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा और आइगन फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग साइन एक्स का जो सा है ना सिंगल डेरिवेटिव ले लें, ये हमारे पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म का कांस्टेंट जो सा है वो, अगर हाँ यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 1, ठीक है, कांस्टेंट 1 हमारे पास सही हो गया। लेकिन जो इसकी दूसरी शिक है कि फंक्शन जो सा है वो सेम रहे, यहाँ साइन था तो यहाँ डेरिवेशन के बाद कॉस कॉस आ गया, तो ये हमारे पास फंक्शन जो सा है वो सेम नहीं रहा, तो ये हमारे पास आइगन इक्वेशन नहीं होगी, आइगन इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या किसी भी किस्म का डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फोक्स अबाउट टुडेज़ वीडियो।